तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो आ जा भाई, देखते हैं क्या करना है। तो इसने बोला है फाइंड द क्यूब ऑफ, ये जितना नंबर लिखा गया है सभी का हमें क्यूब निकालना है। तो ये जितना भी नंबर है, इस नंबर को छोड़कर ये जितने भी नंबर, ये सभी नंबर टू डिजिट के नंबर हैं और इन सभी नंबर्स का हमें क्यूब करना है। सेवन का क्यूब तो आप आसानी से कर सकते हो, क्या होगा, लेकिन यह टू डिजिट के जो नंबर्स का क्यूब है, इसको जो है सॉल्व करने में थोड़ा आपको दिक्कत हो सकता है। तो इसके लिए हम एक ट्रिक बताने वाले हैं, उसके इस हेल्प से आप किसी भी टू डिजिट के नंबर का, किसी भी टू डिजिट के नंबर्स का मतलब है 11 से लेकर 99 तक जितने भी नंबर हैं टू डिजिट के नंबर ही हैं, इनका आप क्यूब आसानी से निकाल सकते हैं, जो हम ट्रिक बता रहे हैं उसके हेल्प से। और ट्रिक को जो है समझने के लिए हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि सभी वन डिजिट के नंबर्स का क्यूब हमें मालूम हो, मतलब 1 से लेके 9 तक जितने भी डिजिट हैं सभी वन डिजिट हैं और 9 डिजिट ही है, सभी का क्यूब हमें मालूम होना ज़रूरी है। 1 से लेके 9 तक जितने भी नंबर्स हैं इनका क्यूब, ठीक है। तो आपको याद ही होगा, सीधे सीधे चलते हैं ट्रिक की तरफ। 7 का आप जो है क्यूब निकाल ही सकते हैं। अब हम निकालते हैं 11 का क्यूब, ठीक है। 11 का क्यूब निकालना है तो क्या करेंगे, 11 का क्यूब निकालने के लिए सबसे पहले हमें इस ट्रिक को सीखने के लिए हमें इसके आंसर को 4 पार्ट में लिखना पड़ेगा, 1 2 3 4, 4 पार्ट में। अब हमें क्या करना है, सबसे पहला नंबर क्या है, 1 है, इसका हमें लिखना होगा क्यूब, 1 का क्यूब होता है 1। फिर ये सेकेंड नंबर क्या है, यहाँ भी 1 ही है, इसका भी क्यूब हमें लिखना है, लास्ट वाले में 1 ही होगा। अब हमें क्या करना है, 1 का मल्टीप्लाई 1 के साथ जो आएगा उसका मल्टीप्लाई 3 के साथ, तो 1 जा 1 3 जा कितना होता है, 3 होता है, हो गया। अब हमें 3 का मल्टीप्लाई फर्स्ट वाले नंबर के साथ करना है, क्या है 1, तो 3 का मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे क्या आएगा, 3 आएगा, ठीक है। अब 3 का मल्टीप्लाई सेकेंड वाले नंबर, यहाँ भी 1 है, 1 के साथ करेंगे यहाँ भी 3 आएगा, और यहाँ यहाँ जो आंसर आया हुआ है यही है आंसर, ठीक है। 1331 होगा, 11 का क्यूब क्या होगा, 1331 ही होगा, ठीक है। अभी तो आपने ये सबसे बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, इसको आपने सीख लिया। अब हम बात करने जा रहे हैं इस ये वाला आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं इसी ट्रिक से। अब हम फोर्थ वाले को का क्यूब निकालने जा रहे हैं, ठीक है। तो आप निकाल सकते हैं इस वाले में, थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा क्योंकि यहाँ शायद यहाँ पार्ट में हर जगह टू टू डिजिट आ जाए, तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे ये भी हमें ध्यान देना होगा, ठीक है। तो हम सॉल्व करते हैं 23 का क्यूब, 23 का क्यूब हमें सॉल्व करना है, तो क्या हो जाएगा, इसको भी हमें 4 पार्ट में इसका आंसर लिखना पड़ेगा। अब हम क्या करेंगे, ये जो फर्स्ट वाला नंबर है 2, इसका हमें क्यूब लिखना पड़ेगा, क्या होगा, 2 का क्यूब 8 होता है। फिर क्या करेंगे, सेकंड वाला नंबर है 3, इसका क्यूब निकला पड़ेगा लास्ट में, तो 3 3 9 3 27, ये लिख लिया। अब हमें वही काम करना है जो हमने 11 के साथ किया था, 2 का मल्टीप्लाई 3 के साथ जो आएगा उसका मल्टीप्लाई 3 के साथ, 2 3 6 6 3 18, ठीक है, 2 3 6 18। अब हमें क्या करना है, ये 18 का मल्टीप्लाई फर्स्ट वाले नंबर मतलब 2 के साथ करना पड़ेगा, 18 दूनी कितना होता है 36 होता है, उसको इस वाले पार्ट में लिखना पड़ेगा। अब हमें सेकंड, अब क्या है, इसका हो गया 18 का मल्टीप्लाई, अब सेकंड वाले नंबर के साथ करना पड़ेगा, 18 3 54 हो गया, अभी हमें ये इस वाले पार्ट में लिखना पड़ेगा, इतना लिख लिया। अब यहाँ से जो है शुरू होता है असली काम, जो कि 11 के क्यूब करते समय ये वाला काम नहीं आया था, इसमें जो है थोड़ा सा अलग ज़्यादा पार्ट आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ है 7 यूनिट प्लेस, 27 का यूनिट प्लेस क्या है 7 को लिख लिया। अब जो बच रहा है 2, इसको हम ऐड करेंगे अगले वाले में, अगले वाले में ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 54 और 2 कितना हो गया 56 हो गया, है ना। अब इसका यूनिट प्लेस क्या है 6 है, उसको लिख लेंगे यहाँ। अब यहाँ जो बच रहा है उसको हम ऐड कर देंगे अगले वाले में, ये हो जाएगा 5 को जब हम 36 में ऐड करेंगे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 41, ठीक है। तो ये 41 का यूनिट प्लेस कौन है, 1 है, यहाँ लिख लिया। अब यहाँ जो बच रहा है 4, इसको हम ऐड करेंगे अगले वाले में, तो ये क्या हो जाएगा 84 कितना हो गया 12, ठीक है। 8 और 4 कितना होगा 12, अगले वाले में हमें ऐड करने को बोला है, ठीक है। तो ये है किसका, 23 का क्यूब है 12167, ये है 23 का क्यूब, ठीक है। अब हम सॉल्व करेंगे किसका क्यूब, 31 का क्यूब, 31 का आप कर सकते हैं, आप सीधे सीधे हम करते हैं 42 का क्यूब, ठीक है, करते हैं। 42 का क्यूब कैसे निकालोगे आप,
या तो आप 42 का मल्टीप्लाई 3 बार करो, लेकिन हम ट्रिक बता रहे हैं अब तो आप ट्रिक इससे ही करोगे, ठीक है। तो 42 का क्यूब क्या हो जाएगा, 42 का क्यूब करने के लिए हमें जैसे सभी में 4 पार्ट में इसके आंसर को लिखा था, इसमें भी 4 पार्ट में इसका आंसर लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 4 का क्यूब करेंगे। 4 का क्यूब कितना होता है, 64 होता है, 4 चौके 16 चौके 64। अब फिर सेकंड टाइम में क्या करेंगे, 2 का क्यूब करेंगे। 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है, जिसको हम लिखेंगे लास्ट में। अब बीच में दो जो है पार्ट बचा हुआ है, अब वही काम करेंगे, 4 का मल्टीप्लाई 2 के साथ जो आएगा उसका मल्टीप्लाई 3 के साथ, 4 × 2 = 24 आ गया 24। अब हमें क्या करना है, आप 24 का मल्टीप्लाई 4 के साथ करेंगे, क्या हो गया, 4 चौके 16 हो गया। इस वाले पार्ट में लिखेंगे 4 चौके 16 बचा हुआ 1, 4, 4 × 2 = 8, 1, 9, ये हो गया 96, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये 4 के साथ हो गया, अब 24 का मल्टीप्लाई सेकंड वाले नंबर मतलब 2 के साथ करेंगे, कितना हो जाएगा, 24 × 2 कितना होता है, 48 होता है। अब हम यहां से शुरू होता है असली काम, इसका यूनिट प्लेस क्या है, 8 है, 8 का कोई 8 खुद ही यूनिट प्लेस है। अब हम क्या करेंगे, इसका यूनिट प्लेस क्या है, 8, 8 को यहां हम लिखेंगे। अब ये जो बचा हुआ यूनिट प्लेस के अलावा ये बचा है 4, इसको कर देंगे ऐड, इसके साथ 96 के साथ 4 ऐड करेंगे, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 100 हो जाएगा, है ना। 96 और 4 कितना होता है, 100 होता है, 100 का यूनिट प्लेस कौन है, एक 0 है। अब बचा हुआ क्या है, 10, 10 को हम ऐड करेंगे किसके साथ, 64 के साथ, तो 64 और 10 कितना होता है, 74 होता है, ठीक है। तो ये है किसका, 42 का क्यूब, 74088, ठीक है, 74088 ये है किसका, 42 का क्यूब है, ठीक है। इस तरीके से आप आसानी से किसी भी नंबर का क्यूब निकाल सकते हैं। तो अब हम निकालेंगे 54 का क्यूब, ठीक है, वही वाला ट्रिक यूज करेंगे जो आगे अब बाकी सभी क्वेश्चन में हमने किया है, ठीक है। तो 54 का क्यूब निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका जो है आंसर लिखना पड़ेगा 4 पार्ट में, 1, 2, 3, 4, ठीक है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहला नंबर क्या है, 5 का क्यूब लिखना पड़ेगा। 5 का क्यूब क्या होता है, 5 × 5 = 25, 5 × 1 = 125 होता है। और 4 का क्यूब क्या होता है, 4 चौके 16 चौके 64 होता है, जिसको हम लास्ट में लिखेंगे, पहले नंबर का पहले वाले पार्ट में, सेकंड नंबर का लास्ट वाले पार्ट में। अब हम जो दो पार्ट बचा है इसको हम क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई 4 के साथ जो आएगा उसका मल्टीप्लाई 3 के साथ, 5 चौके 20 = 60 हो गया, 60 हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, 60 का मल्टीप्लाई फर्स्ट वाले नंबर मतलब 5 के साथ कर देंगे, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, 6 × 5 = 30 हो गया, 300 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये जो ये 60 है, 60 का मल्टीप्लाई 4 के साथ करेंगे, 6 × 4 = कितना हो गया, 24 हो गया, ठीक है, ये हो गया 240, ये हो गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ जो है इसका यूनिट प्लेस क्या है, 4, इसको नीचे लिख लेते हैं। अब जो यूनिट प्लेस के अलावा जो बचा है 6, इसको हम ऐड कर देते हैं 240 में, तो 240 और 6 ऐड कर देंगे, क्या हो जाएगा, 246 हो जाएगा। इसका यूनिट प्लेस क्या है, 6 है, उसको लिख देंगे यहाँ। ये जो बचा हुआ 24 है, 24 को ऐड कर देंगे 300 में ऐड करेंगे, क्या हो जाएगा, सो 324 हो जाएगा। 324 में जो इसका यूनिट प्लेस क्या है, 4 है, उसको यहाँ लिख देंगे। बचा हुआ है 32 को ऐड करेंगे इसके साथ, तो क्या हो जाएगा, 32 को जब इसके साथ ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 × 2 = 7 हो जाएगा, 5 × 2 = 7, 3 × 2 = 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, ठीक है। तो ये है किसका, 54 का क्यूब आ गया है, है ना। तो 54 का क्यूब क्या है, 15,7,464, ठीक है। तो ये है इसका क्यूब। तो आजा भाई देखते हैं क्या करना है इसमें। तो इसने बोला है फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग आर परफेक्ट क्यूब। इसमें हमें बताना है, ये जो क्वेश्चन दिया गया है हमें बताना है कि इन नंबरों में से कौन सा नंबर एक परफेक्ट क्यूब है। परफेक्ट क्यूब होने का क्या मतलब है, इसको अगर हम फैक्टोराइज करेंगे, फैक्टोराइज करने के बाद अगर इसका ट्रिपलेट्स बन जाएगा तो वह नंबर जिसका बन जाएगा ट्रिपलेट्स वह नंबर होगा परफेक्ट क्यूब, और जिसका ट्रिपलेट्स नहीं बनेगा वह नंबर परफेक्ट क्यूब नहीं होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं 243 को, ठीक है, देखते हैं ट्रिपलेट्स है कि नहीं। 243 इसको हम फैक्टोराइज करेंगे इस तरीके से, 2 × 2 = 2 से तो नहीं जाएगा, ठीक है, क्योंकि लास्ट में 3 है, 3 × 8 = 24, 3 × 1 = 3, ठीक है, ये हो गया। और 3 × 2 = 6, 3 × 7 = 21, 27 × 3 = 81, 3 × 9 = 27, 3 × 3 = 9, 3 × 1 = 3। अब आप देखेंगे यहाँ जो है ट्रिपलेट्स नहीं बन रहा है, मतलब
थ्री थ्री का पेयर बनाना है। तो यहां यहां तो थ्री का पेयर बन गया, ठीक है, वन टू थ्री, थ्री कितने टाइम है, थ्री टाइम है, लेकिन यहां थ्री जो है टू टाइम है, तो इसको भी अगर यहां एक बार और थ्री होता तो ये ट्रिपलेट्स बन जाता, ठीक है। तो इसी से पता चल गया कि ये क्या है, एक परफेक्ट क्यूब नहीं है, ठीक है। तो बस ये वाला नहीं है, इसके अलावा आप ये वाला आप चेक करेंगे। अब हम इसको जो है सॉल्व करके दिखाते हैं, ये क्यूब है कि नहीं है ये भी चेक कर लेते हैं। तो सॉल्व करेंगे थर्ड वाले को, थर्ड वाला क्या है, 1331, ठीक है। अब इसका हम करेंगे फैक्टराइजेशन। अब ये किससे जाने वाला है, टू से जाएगा नहीं, थ्री से भी नहीं जाएगा, तो ये सीधे जाएगा इलेवन से, ठीक है, इलेवन से जाएगा। तो कितने टाइम जाएगा, इलेवन वन या इलेवन, यह इलेवन टू थर्टीन, टू बचा ये हो गया 23, इलेवन टू जा 22, वन बचा ये हो गया 11, इलेवन वन जा 11, ठीक है। और क्या, इलेवन इलेवन जा 121, फिर 11 वन जा 11, तो यहाँ ट्रिपलेट्स बन गया। 11 कितने टाइम है, थ्री टाइम है, 11 इंटू 11 इंटू 11। तो भैया ये है 1331 जो है 11 का क्यूब है, किसका, 11 का क्यूब है। तो ये क्या है, एक परफेक्ट क्यूब है, क्योंकि इसका ट्रिपलेट्स बन गया। इसके अलावा हम इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या होता है। फोर्थ वाला क्या है, लिखा हुआ है 24,000, तो इसका भी हम क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 12 दूनी 24, ये 2 से जाएगा 12,000, ये हो गया 6,000 हो जाएगा, 6 2 जा 12 होता है, और 2 3 जा 6, 3,000 हो गया, ये हो गया, और 2 से ये जाएगा कि नहीं, 2 1 जा 2, 1 बचा, 2 5 जा 10 हो गया, 2 0 हो गया, 1500 दूनी 3000 हो गया, और 2 वन जा 2 7 जा 14 हो गया, 1 बचा ये हो जाए 2 5 जा 10 0 हो गया, 750 दूनी या 2 2 टाइम है, ठीक है। और ये 2 से जाएगा कि नहीं, 2 3 जा 6 हो गया, 1 बचा 2 7 जा 14 हो गया, 2 5 जा 10 हो गया। अब आगे क्या होगा, अब इसको हम ले लेते हैं, हाँ 375 को ले लेते हैं यहाँ, तो क्या हो जाएगा, 3 से जाएगा कि नहीं, 2 से नहीं जाएगा क्योंकि लास्ट में 5 है, 3 से जाएगा शायद, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 हो गया, 1 बचा 3 5 जा 15, ठीक है, 3 4 जा 12 नहीं जाएगा। अब सीधे यह जाएगा 5 से, 5 5 25 पंजे 125 हो गया, 5 5 जा 25 हो गया, 5 1 जा 5। तो अब हम इस पे ध्यान देते हैं, यहाँ जो है 2 कितने टाइम है, यहाँ एक ट्रिपलेट्स बना 2 का, फिर यहाँ भी बन गया, और इसी को हमने उठा के यहाँ लिख लिया है, तो 3 यहाँ अकेले है, 5 का ट्रिपलेट्स बन गया। यहाँ जो 3 है, 3 के लिए 2 टाइम और 3 आया होता, 1 टाइम 3 है, 2 टाइम और 3 आया होता तो ये ट्रिपलेट्स बन जाता, 5 का भी ट्रिपलेट्स, फिर 2 का 3 का ट्रिपलेट्स, फिर 2 का 2 का बन जाता, लेकिन यहाँ नहीं बन रहा है। कंप्लीट हो जाता तो ये नंबर्स भी क्या हो जाता, एक परफेक्ट क्यूब हो जाता, ठीक है। इसके अलावा ये आप चेक कर सकते हैं, ये वाला हम चेक करके दिखाते हैं, क्यूब परफेक्ट क्यूब है या नहीं है, ठीक है। तो ये वाला है, ये वाला नहीं है, ठीक है, जिस पे नहीं है उस पे हमने क्रॉस लगाया है, और जिस जो है उस पे हमने ट्रिक लगाया है, ठीक है। तो लास्ट वाला है 1938, तो इसका भी हम सबसे पहले फैक्टराइजेशन करेंगे, फिर इसका हम ट्रिपलेट्स देखेंगे है या नहीं है, ठीक है। तो लास्ट में 8 2 से चलाया जाएगा, 2 9 जा 18 होता है, 1 बचा 2 6 जा 12 हो जाएगा, 1 बचेगा 2 9 जा 18 हो गया, ठीक है। अब जानते हैं 2 4 जा 8 हो गया, 2 8 जा 16 हो गया, नहीं जाएगा यहाँ, ठीक है। 2 4 जा 8 हो गया, 1 बचा ये 16, 2 8 जा 16, यहाँ 3 9 से नहीं जाएगा। तो ये क्या करें, अब चलते हैं 3 के पास, 3 के पास चलेंगे, 3 3 जा 9 हो गया, 3 2 जा 6 हो गया, 3 3 जा 9 हो गया। और अब अगर आप ध्यान देंगे, इसके आगे इसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्यों नहीं जरूरत है, क्योंकि गड़बड़ तो यहीं से हो गया, क्योंकि यहां 2 है, और 2 यहां भी आना चाहिए था, यहां भी आना चाहिए था, लेकिन नहीं आ रहा है, तो यहां जो है 2 का ट्रिपलेट्स नहीं बनेगा, और शायद 3 का ट्रिपलेट्स बन जाए, तो सिर्फ 3 के ट्रिपलेट्स बनने से कुछ नहीं होने वाला, 2 का भी बनना चाहिए। तब ये जो है नंबर्स 1938 एक परफेक्ट क्यूब होता, लेकिन नहीं है, यहीं से पता चल गया, ठीक है, क्योंकि यहां 2 सिर्फ एक ही बार आया है, 2 टाइम और आता तो ये परफेक्ट क्यूब होता, लेकिन नहीं है।
ठीक है, तो बात समझ में आई होगी। ट्रिपलेट्स बन जाएगा तो वो होगा परफेक्ट क्यूब, अगर नहीं बनेगा तो वो परफेक्ट क्यूब नहीं होगा। तो आजा भाई देखते हैं क्या करना है। इसने बोला है फाइंड द क्यूब ऑफ, और ये जितना भी डेसिमल नंबर है सभी का हमें क्यूब निकालना है। ठीक है, तो नॉर्मल नंबर होता है तो हम क्यूब तो निकाल लेते हैं थ्री टाइम मल्टीप्लाई करके, इसमें भी थ्री टाइम मल्टीप्लाई करना है, लेकिन डेसिमल कितने डिजिट पे लगेगा ये भी पता होना जरूरी है। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं फर्स्ट वाले नंबर को, क्या है 2.1 है ना, 2.1, तो ये 2.1 का हमें निकालना है क्यूब कितना होगा, तो 2.1 को हमें थ्री टाइम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2.1 तब जाके आएगा इसका आंसर। लेकिन हम इसको सॉल्व करने के लिए एकदम शॉर्ट आइडिया बताते हैं, ठीक है, जो कि पहले क्वेश्चन में बताया था, ये थर्ड क्वेश्चन है क्यूब निकालने का शॉर्ट वाला आइडिया। ठीक है, तो ये 2.1 है ना, तो 2.1 को हम मान लेते हैं 21 सीधे सीधे, ठीक है, तो डेसिमल बाद में लगाएंगे। ठीक है, 21 मान लेते हैं। अब हमें इसका क्या करना है, निकालना है क्यूब। क्यूब कैसे निकालना है, 21 मान लिया है तो सबसे पहले इसका हम क्या करेंगे, सॉरी यहां लगाते हैं 21 का हमें क्या निकालना है, क्यूब। तो इसका आंसर हम लिखेंगे फोर पार्ट में, 2.1 था इसे हमने मान लिया है 21, फोर पार्ट में इसका आंसर लिखेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये फर्स्ट वाले डिजिट 2 का हम क्यूब लिखेंगे, यहां कितना होगा 2 2 4 2 8 होगा, फिर 1 का क्या हो जाएगा लास्ट वाले में लिखेंगे, 1 का 1 ही होता है। अब हम क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई 1 के साथ, और जो आएगा उसका मल्टीप्लाई 3 के साथ, 2 1 2 3 6 आ गया, ये जो 6 है 6 का मल्टीप्लाई फर्स्ट नंबर मतलब 2 के साथ करेंगे, 6 2 जा क्या होता है 12, उसको ये इस वाले ब्रैकेट में लिखेंगे, और ये जो सेकंड टाइम में जो सेकंड वाला नंबर है 1 इसके साथ 6 का मल्टीप्लाई करेंगे, यहां आगे लिखेंगे उसको। ठीक है, ये जो नंबर है ये आंसर नहीं है, ध्यान देने वाली बात ये है कि यूनिट डिजिट को लिखेंगे, यूनिट डिजिट यहां खुद एक ही नंबर है, इसको हमने लिख लिया, यहां सिर्फ एक ही नंबर, इसको हमने यहां लिख लिया, यहां कितना नंबर है 2 नंबर है, तो इसकी यूनिट डिजिट को हम लिख लेंगे, लिख लिया, और यहां जो नंबर बचा हुआ 1 है इसको अगले वाले नंबर में हम ऐड कर देंगे, 8 और 1 कितना होता है, हो जाएगा 9, तो 21 का क्यूब क्या हो जाएगा 9261। ठीक है भैया, बस ये तो हमने मान लिया है ना, तो 9261 और डिजिट कितने पे लगेगा, कौन सा डेसिमल कितने डिजिट पे लगेगा, अभी यहां अगर हमने ध्यान दिया होता तो डेसिमल के बाद कितना डिजिट था 1 है ना, डेसिमल के बाद कितना डिजिट था 1, अब जो है जब क्यूब हो चुका है 2.1 का तो डेसिमल के बाद 1 डिजिट पे लग रहा था, अब डेसिमल जो है कितने डिजिट पे लगेगा 3 डिजिट पे, 1 2 3 कितने डिजिट पे 3 डिजिट पे, तो ये है इसका आंसर। ठीक है, और 2.1 मल्टीप्लाई कर दो तो टाइम ज्यादा लगता है, ये जो है हमने समझाया है इसलिए टाइम थोड़ा ज्यादा लगा, ट्रिक आप लगा के आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट मतलब सेकेंड वाला। ठीक है, तो ये वाला हम सॉल्व कर देते हैं, ये वाला आप सॉल्व कर लेना, ठीक है, और ये वाला ऐसे करके हम सिर्फ बताते हैं होगा सॉल्व कैसे, तो बता देते हैं 0.4 का हम करते हैं, यह 0.4 का हमें क्या करना है, क्यूब लिखना है, तो 0.4 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्यूब निकल जाएगा, लेकिन मल्टीप्लाई क्यों करें, सीधे इसका जो लास्ट डिजिट है क्या है 4 का हम निकाल लेते हैं क्यूब, 4 चौके 16 चौके 64 इसका आंसर आ जाएगा 64। लेकिन डिजिट ये जो डेसिमल है कितने डिजिट पे यहां लगा हुआ था, 1 डिजिट पे लगा हुआ था, लेकिन अब जो डेसिमल लगेगा 3 डिजिट पे लगेगा। ठीक है, लेकिन यहां कितना डिजिट है, यहां सिर्फ है 2 डिजिट, तो मतलब कि यहां एक जीरो और बढ़ा देते हैं, 1 2 3 डिजिट हो गया, अब यहां डेसिमल लगाएंगे, अभी 1 डिजिट के बाद डेसिमल लगा था, 1 डिजिट पे डेसिमल लगा था, अब 3 डिजिट पे डेसिमल लगेगा, तो 0.64 हो जाएगा, यहां भी जीरो लगा लेते हैं, ये होगा इसका 0.4 का क्यूब। ठीक है, और इसी तरीके से ये है, एक और बता देते हैं 1.6 को, इसके बाद ये सब आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है,
है 2.5 का हमें निकला है, लिखना है क्यूब 2.5 × 2.5 × 2.5 करना पड़ेगा। तो सबसे अच्छी बात यह है कि इस 2.5 को हम मान लेते हैं 25, और 25 का हमें क्या निकालना है क्यूब, मान लिया है 2.5 को 25 मान लिया है, ठीक है। अब क्या करेंगे इसको निकालने के लिए, इसका फोर पार्ट में इसके आंसर को लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहला डिजिट क्या है, 2 है, इसका हम लिखेंगे क्यूब यहां, तो क्या हो जाएगा 2 × 2 = 4 × 2 = 8 होगा। अब यह सबसे लास्ट डिजिट क्या है, 5 का क्यूब यहां लिखेंगे, यहां 125, 5 का क्यूब क्या होता है 125 होता है। अब हमें क्या करना है, 2 का मल्टीप्लाई 5 के साथ जो आएगा उसका मल्टीप्लाई 3 के साथ, 2 × 5 = 10, 3 = 30, मतलब यहां 30 आ गया। अब क्या करेंगे, 30 का मल्टीप्लाई फर्स्ट वाले नंबर मतलब 2 के साथ करेंगे, तो 32 जो कितना होता है 60 हो जाएगा, और यहां जो बचा है यहां जो है 30 का मल्टीप्लाई सेकंड वाले नंबर 5 के साथ करेंगे, तो ये हो जाएगा 15, ये हो गया 150, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ जो है यूनिट डिजिट को हमें लिखने वाला है नीचे। अब जो बचा है 12 को अगले वाले नंबर में हमें कर देना है ऐड, तो ये कितना हो जाएगा 150 में 12 को ऐड करेंगे तो 162 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 62 को हम लिख लेंगे यहाँ, ये बच रहा है 16 को यहाँ हम लिख देंगे तो ये हो जाएगा 76 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 76 हो जाएगा, जब 16 को यहाँ ऐड कर देंगे तब, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 76, ठीक है 76 में पहला डिजिट क्या है 6, इसको हम यहाँ लिख लेंगे, और यहाँ जो है इसको यहाँ लिख लेंगे 8 और 7 क्या हो गया, 8 और 7 क्या होगा 15, तो ये है 25 का क्यूब। लेकिन 25 के क्यूब को हम 2.5 का क्यूब बना सकते हैं, ठीक है। तो क्या आया है 15625 आया हुआ है, ठीक है। चलिए तो लिख देते हैं 15625, और हमें ध्यान देना है कि यहाँ जो है कितने डिजिट बाद डेसिमल था, वन डिजिट में डेसिमल था, ठीक है, वन डिजिट पहले डेसिमल था, अब कितने डिजिट पहले डेसिमल होगा 3 डिजिट, अभी वन डिजिट पे था डेसिमल, अब 3 डिजिट पे होगा 1, 2, 3, तो यहाँ डिजिट पे हम डेसिमल लगा देंगे, तो ये है 15.625 किसका, 2.5 का क्यूब, है ना। तो यह है इसका आंसर, इस तरीके से आप नीचे वाला सभी कर सकते हैं, इस तरीके से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। फिर से बता दें, अगर यहां 2 डिजिट पे क्या है डेसिमल है, 2 डिजिट पे क्या डेसिमल लगा है, जब आप इसका क्यूब करोगे, डेसिमल कितने डिजिट पे लगेगा 3, अभी 2 डिजिट पे है तो यहां डेसिमल कितने डिजिट पे लगेगा 3 डिजिट पे लगेगा, नहीं 2 डिजिट पे है, 2 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 डिजिट पे, ठीक है 6 डिजिट पे लगेगा, ठीक है 2 का है तो 2 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 6 डिजिट पे डेसिमल लगेगा, यहां कितना डिजिट बाद डेसिमल है 2 डिजिट पे डेसिमल है, तो यहां क्यूब होने के बाद 2 है तो 2, 3 जा कितना होता है 6 डिजिट पे यहां भी लगेगा डेसिमल, ठीक है ठीक है। और यहां डेसिमल के बाद 1 डिजिट है तो यहां 1, 3 जा कितना होता है 3 डिजिट पे यहां डेसिमल लगेगा, यहां 1 डिजिट है डेसिमल के बाद तो 1, 3 = 3, हर में डेसिमल के बाद जितना नंबर है उसका मल्टीप्लाई 3 से करेंगे उतने डिजिट पे डेसिमल लगेगा, यहां डेसिमल के बाद 1 डिजिट 3 डिजिट पे डेसिमल, डेसिमल के बाद 1 डिजिट 1, 3 = 3 डिजिट पे डेसिमल, डेसिमल के बाद 1 डिजिट 1, 3 = 3 डिजिट पे डेसिमल लगेगा, ठीक है क्यूब होने के बाद। तो बता भी दिया क्यूब आप जल्दी से कैसे निकाल सकते हैं, तो आ जाओ भाई देखते हैं क्या करना है। तो इसने बोला है फाइंड द क्यूब ऑफ, इन सभी का हमें क्यूब निकालना है, ये जितने नंबर हैं ये फ्रैक्शनल नंबर हैं, ठीक है। तो फ्रैक्शनल नंबर का क्यूब कैसे निकालते हैं ये सिर्फ हम समझाएंगे, इसके अलावा तो आप समझदार हैं, आप सॉल्व खुद ही कर सकते हैं। तो ये फर्स्ट वाला और लास्ट वाला हम लगा के दिखा देते हैं, ठीक है। तो ये है 3/7, इसका हमें निकालना है क्यूब, कैसे निकालेंगे इसको तो सॉल्व इसी तरह करते हैं, 3 × 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे 7 को 3 मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। और जो सॉल्व होगा वो होगा 3/7 का क्यूब, ठीक है। तो क्या होगा 3×3 = 9, 3×27 हो गया, और ये हो गया 7×7 = 49, 7×3 = 43, ठीक है।
तो ये है इसका आंसर। अब हम सॉल्व करेंगे लास्ट वाले क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन इसके जैसा है, एक मिक्स्ड फ्रैक्शन के जैसा। इसको हमने सॉल्व किया, इसके अलावा ये सब सेम है। अब मिक्स्ड फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे ये बता देते हैं, ठीक है। तो लिखा हुआ है टू हाफ, टू हाफ मतलब टू हाफ वन बाई टू। तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम टू टू द फोर, टू टू द फोर वन फाइव बाई टू। और हमें इसका निकालना है क्यूब, मतलब इसका फाइव बाई टू का क्यूब, ठीक है। और क्या करेंगे क्यूब निकालने के लिए, 5 का मल्टीप्लाई 5 में 3 टाइम कर देंगे और 2 का मल्टीप्लाई 3 टाइम हम कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 5 5 जाए 25, 5 जाए 125 हो गया, और ये होगा 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया, ठीक है। लेकिन ये आंसर तो इसी का है, लेकिन इसको हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन ही मिक्स्ड फ्रैक्शन की तरह था। तो 125 को अगर हम डिवाइड कर देंगे 8 से, तो क्या आ जाएगा, 8 1 8 हो गया, 8 2 16 हो जाता, ठीक ज़्यादा हो जाता नहीं, गलत हो जाता, 8 4 12 हो गया, तो 8 5 8 5 40, 5 बचा, डेसिमल लगा, डेसिमल तो नहीं लगाएंगे क्योंकि हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन में इस तरीके से लिखना है। इसे हम बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन, इस तरीके का जो नंबर होता है 1 ऑफ 1 बाई 2, 3 ऑफ 5 बाई 6, इस तरीके का जो नंबर होता है ये होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है। तो अब हम सॉल्व करते हैं इसको, ये क्या आया हुआ है, ये आया हुआ 15 ऑफ 5 बाई 8, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 15 ऑफ 5 बाई 8, ये है इसका आंसर, किसका, लास्ट वाले क्वेश्चन का। इस तरीके से ये है 2 ऑफ 1 बाई 2 का क्यूब क्या होगा, 15 ऑफ 1 बाई 5 बाई 8, ये होगा इसका आंसर। तो आ जाओ भाई देखते हैं क्या करना है। तो इसने बोला है फाइंड द क्यूब ऑफ, इन सभी का हमें क्यूब निकालना है। क्यूब का मतलब आप जानते हैं, लेकिन यहाँ जितने भी नंबर्स हैं सभी नेगेटिव में हैं। तो बता दें किसी भी नेगेटिव नंबर का अगर हम क्यूब करेंगे तो जो आंसर आएगा वह भी नेगेटिव में ही होगा, ठीक है। तो यहाँ जो है सबसे पहला वाला क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट वाला -3, अगर हम इसका क्यूब करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा 27 आएगा, क्योंकि 3 को हम -3 को कितने टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 27, लेकिन आंसर क्या आएगा, नेगेटिव में आएगा। ये नेगेटिव में है तो ये भी नेगेटिव में आएगा, किसी भी नेगेटिव नंबर का क्यूब नेगेटिव में ही आता है, ठीक है। तो यहाँ जितने भी नंबर हैं सभी नेगेटिव में है और सभी का क्यूब नेगेटिव में आएगा, ठीक है। तो बता दिया है, तो ये सबसे सिंपल वाले क्वेश्चन का बताया है। तो इस तरीके से ये 1 1 डिजिट वाला तो आप कर लेंगे, और फिर हम थोड़े डबल डिजिट वाले का हम जो है क्यूब निकाल के बताते हैं कैसे निकालेंगे। ये है -12 का हमें निकालना है क्यूब, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, -12 को हम कितने टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। लेकिन 12 का क्यूब, 12 का मल्टीप्लाई 12 में, फिर जो आएगा उसका मल्टीप्लाई 12 में करेंगे तो टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा। तो इसके लिए हम सॉल्व ट्रिक का यूज करते हैं। 12 का क्यूब निकालने के लिए क्या करेंगे, माइनस हटा देते हैं, हम सीधे सीधे मान लेते हैं 12, ठीक है। तो 12 का हमें क्या करना है, क्यूब निकालना है। तो इसका आंसर कितने पार्ट में, 4 पार्ट में हमें लिखना पड़ेगा। सबसे पहले हमें क्या करना है, पहला वाला डिजिट क्या है, 1 1 का क्यूब यहाँ हमें लिखना पड़ेगा, क्या होगा, 1 होगा। लास्ट वाला डिजिट क्या है, 2 2 का क्यूब लिखना पड़ेगा, लास्ट में 8 होगा। और अब क्या करेंगे, 1 का मल्टीप्लाई 2 के साथ जो आएगा उसका मल्टीप्लाई 3 के साथ, 1 2 2 3 6 हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये जो 6 आया है 6 का मल्टीप्लाई फर्स्ट वाले नंबर मतलब 1 के साथ करेंगे तो 6 1 जा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, जिसको हमें यहाँ लिखना है। और ये जो 6, ये जो लास्ट वाला नंबर है उसका भी मल्टीप्लाई 6 के साथ करेंगे सेकंड वाले नंबर के साथ, ठीक है। तो 6 2 जा क्या हो गया, 12। अब हम क्या करेंगे, ये आंसर नहीं है अभी, इसको हमें अरेंज करना है यूनिट प्लेस की तरह, ठीक है। तो यूनिट प्लेस यहाँ एक 1 डिजिट नंबर ही है, इसको हम लिख लेंगे। फिर यहाँ यूनिट प्लेस कौन सा है, 2, उसको हम लिख लेंगे। जो यह नंबर बच रहा है 1, इसको अगले नंबर में ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, इसको यहाँ हम लिख लेंगे। और ये क्या है, 1 है। तो ये हो गया 1728 किसका, ये है किसका क्यूब, 12 का क्यूब है, -12 का नहीं, तो हम माइनस तो हम लगा सकते हैं ना, 1728 आंसर किस में आएगा, माइनस में ही आएगा, ये है इसका आंसर। अब हम निकालेंगे, ये वाला हमने निकाल दिया, ये आप लगा सकते हैं, ये वाले का हम निकाल देते हैं, ठीक है। तो 5 वाले का क्या है, 25 का हमें क्यूब निकालना है, 25 का क्यूब निकालना है, तो हमें वही काम करना पड़ता है,
हमेशा थ्री टाइम मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो थ्री टाइम हमने मल्टीप्लाई तो कर दिया, लेकिन मल्टीप्लाई करके इसका आंसर अगर हम लिखेंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा। तो सीधे सीधे इसका जो है हम शॉर्ट ट्रिक यूज कर लेते हैं, 25 का क्यूब निकाल देते हैं और जो आंसर आएगा माइनस में तो लिखना ही है। तो 25 का क्यूब निकालने के लिए इसको फोर पार्ट में इसको लिखना पड़ेगा। सबसे पहला नंबर 2 है, इसका क्यूब हमें यहाँ लिखना पड़ेगा, 8 होगा, 2 × 4 × 8, और 5 का क्यूब कितना होता है 125 होगा, इसको लास्ट में लिखेंगे। अब क्या करेंगे, जो नंबर बचा है 2 × 5 = 10, 3 = 30, अब क्या करेंगे 30 का मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे, 32 × 60 होगा, इसको यहाँ हम लिखेंगे, और यहाँ जो 30 इसका मल्टीप्लाई अब सेकंड के साथ करेंगे, सेकंड नंबर क्या है 5, तो ये हो जाएगा 150। अब हमें क्या करना है, इसको अरेंज करना है, इस यूनिट प्लेस को हम यहाँ लिख लेंगे, ये जो नंबर 12 इसको हम ऐड करेंगे किस में, 150 में, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 162 हो जाएगा, ठीक है। तो 162 में यूनिट प्लेस कौन सा है, 2 है, इसको लिख लेंगे, ये जो 16 बच रहा है इसको हम ऐड कर देंगे इसके साथ, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 73, है ना, 73 हो जाएगा। तो 73 में क्या यूनिट प्लेस है, 6 है, उसको यहाँ हम लिख लेंगे, ये जो बच रहा है 7 इसको अगले नंबर में हम यहाँ लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा 8 और 7 कितना हो जाएगा, यहाँ 15 हो जाएगा, 15 को हम यहाँ लिख लेंगे, ठीक है। तो 15625 और यहाँ जो है माइनस था तो यहाँ भी माइनस लग जाएगा। तो आज भाई देखते हैं क्या करना है। तो इसने बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्यूब ऑफ एन इवन नंबर एन ऑड नंबर, ये जो नंबर दिया गया है इसमें से हमें बताना है कि इस नंबर में से कौन सा ऐसा नंबर है जिसका जो इवन नंबर का क्यूब है, ये जितने नंबर हैं ये सभी क्यूब हो चुके हैं, ये किस नंबर का क्यूब हुआ है, इवन नंबर का क्यूब हुआ है या ऑड नंबर का क्यूब हुआ है, यही हमें बताना है, ठीक है। तो इवन नंबर के क्यूब को और ऑड नंबर के क्यूब को पहचानने के लिए एक हम ट्रिक बताते हैं। ट्रिक क्या है, पहली बात तो ये है कि अगर हम किसी भी इवन नंबर का क्यूब अगर हम करेंगे तो जो क्यूब होगा उसके बाद भी वो क्यूब भी इवन नंबर में ही आएगा, और किसी ऑड नंबर का अगर हम क्यूब करेंगे तो क्यूब होने के बाद भी वो ऑड नंबर रहेगा। जैसे 2 क्या है, एक इवन नंबर है, ठीक है, 2 एक क्या है, इवन नंबर है, और 3 क्या है, एक ऑड नंबर है। अगर हम 2 का अगर हम क्यूब करेंगे तो क्या आता है, 2 × 4 × 8, तो 2 भी एक इवन नंबर है और जो इसका क्यूब आया है ये भी 8 भी एक इवन नंबर है, और इधर देखते हैं ये ऑड नंबर है, और इसका अगर हम क्यूब करेंगे तो क्या आएगा, 3 × 3 = 9 × 3 = 27, और यहाँ 3 भी एक ऑड नंबर है और 27 भी एक ऑड नंबर है। इससे पता चलता है कि किसी भी नंबर का अगर हम इवन नंबर का अगर हम क्यूब करेंगे तो आंसर में इवन ही आएगा, और ऑड नंबर का क्यूब करेंगे तो आंसर में ऑड ही आएगा, ठीक है। तो बस इसमें कौन सा इवन है कौन सा ऑड है इसको पता लगाने के लिए हमें कोई ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, तो सीधे सीधे पता लगा लेते हैं, ठीक है। तो इसमें कौन सा नंबर इवन नंबर का क्यूब है, इवन नंबर का क्यूब, इसके लास्ट में 6 है, ये एक इवन नंबर का क्यूब है, इसके लास्ट में 9 है, ये ऑड नंबर का, तो सिर्फ इवन नंबर को ढूंढते हैं, ठीक है। तो ये भी एक इवन नंबर का क्यूब है, और 8000 ये भी एक इवन नंबर का क्यूब है, ठीक है। तो एन इवन नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्यूब ऑफ एन इवन नंबर, तो इवन नंबर के सामने हम इवन नंबर वाला क्यूब लिख देते हैं, क्या है 216, ये जो है क्यूब हुआ है ये एक इवन नंबर का क्यूब हुआ है, ठीक है। तो इसके बाद जो आंसर आया है क्यूब होने के बाद 216, ये भी एक इवन नंबर है, तो 216 है, 8000 है, और इसके अलावा है 4096, ठीक है, ये तीनों नंबर्स है एक इवन नंबर का क्यूब, ठीक है। अब चलते हैं ऑड नंबर के पास, यहाँ लास्ट में आया है 9, तो ये है ऑड नंबर, तो 729 क्या है, एक ऑड नंबर का क्यूब है, कोई ऑड नंबर रहा होगा उसी का क्यूब ये है। इसके अलावा है 3375, ये भी एक ऑड नंबर का क्यूब है, 3375 ये भी एक ऑड नंबर का क्यूब है। 125 ये 5 का क्यूब है, 125 किसका क्यूब है, 5 का क्यूब, तो 5 भी एक ऑड नंबर है और 125 भी एक ऑड नंबर है, ठीक है। तो 125 भी क्या है, एक ऑड नंबर का क्यूब है,
और इसके अलावा क्या बचता है, 125, 343 भी एक ऑड नंबर है, 343 भी एक ऑड नंबर है। इसके अलावा क्या बचता है, 9261 ये भी एक ऑड नंबर है, ठीक है। तो ये है इसका आंसर। तो आ जाओ भाई देखते हैं क्या करना है। तो इसने बोला है फाइंड करना है, मतलब हमें ज्ञात करना है, फाइंड लीस्ट नंबर बाय विच 1323 मस्ट बी मल्टीप्लाइड सो दैट द प्रोडक्ट इज परफेक्ट क्यूब, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो नंबर दिया गया है 1325, ये जो है परफेक्ट क्यूब नहीं है, और इसने बोला है इसमें किस नंबर का मल्टीप्लाई कर दें कि मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर नया आएगा वह नंबर एक परफेक्ट क्यूब होगा, यही बताना है। तो इसने बोला मस्ट बी मल्टीप्लाइड सो दैट द प्रोडक्ट इज परफेक्ट क्यूब, ठीक है। तो यही बताना है हमें। तो हमें निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसका जो है हमें फैक्टोराइजेशन करना पड़ेगा, ठीक है। फैक्टोराइजेशन करेंगे फिर जो है अगर इसका ट्रिपलेट्स बनाएंगे नहीं बनेगा, जो नंबर कम पड़ेगा वही नंबर है इसका, वही नंबर होगा जिसको हम प्रोडक्ट कर देंगे इसके साथ, जो नया नंबर मिलेगा वह नंबर एक परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। तो सबसे पहले इसका क्या कर लेते हैं, फैक्टोराइजेशन 1323, और हमें इसका करना है फैक्टोराइजेशन। तो किससे जाने वाला है, लास्ट में है 3, तो ये जो है 2 से तो जाएगा नहीं, ये जाएगा 3 से, 3 4 जा 12, 1 बचा 3 4 जा 12, 3 1 जा 3, ठीक है, 3 1 जा 3, 1 बचा 3 4 जा 12 हो गया, 2 बचा 3 7 जा 21, ठीक है। अब कहां से 3 4 जा 12, 2 बचा ये 27 हो गया, 3 9 जा 27, अब तो 3 से तो जाएगा नहीं, अब ये जाएगा 7 से, 7 7 जा 49, 7 1 जा 7। तो अब अगर आप देखेंगे तो यहां जो है हो रहा है 3 × 3 × 3, है ना, यहां तो 3 के लिए ट्रिपलेट्स बन गया, यहां 7 के लिए ट्रिपलेट्स नहीं बन रहा है, यहां जो है 7 कितनी टाइम है, 2 टाइम है, और 7 हमें 1 टाइम और चाहिए, ठीक है, 7 हमें 1 टाइम और चाहिए। यही अगर हमें मिल जाएगा और इसी नंबर का जो है 1323 में अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो नया नंबर आएगा वह नंबर एक परफेक्ट क्यूब होगा, ठीक है। तो यहां तो हमें क्या चाहिए, 7 कितने टाइम है, 1 टाइम 7 और चाहिए, ठीक है। तो हमें कैसे लिखना है इसे, 3 × 3 × 3 हो गया, और क्या 7 × 7 × 7, तो 7 जो है हमने लिख दिया है, और 7 ही वह नंबर है, वही नंबर है जिसको हम 7 क्या है आंसर है, उसी नंबर को अगर 1323 में मल्टीप्लाई करेंगे, जो यहाँ नया वाला नंबर आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद 1323 में अगर हम 7 का मल्टीप्लाई करेंगे, जो नया नंबर आएगा यहाँ जो रहेगा प्रोडक्ट, इसने बोला है मस्ट बी मल्टीप्लाइड सो दैट द प्रोडक्ट इज परफेक्ट क्यूब, भैया इस नंबर में 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे जो प्रोडक्ट आएगा वह नंबर एक परफेक्ट क्यूब होगा, ठीक है। तो समझ में आया होगा। तो आ भाई देखते हैं क्या करना है। तो इसने बोला है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 8768 मस्ट बी डिवाइडेड, इसमें क्या लिखा हुआ है डिवाइडेड, इसके पहले वाले क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन नंबर 7 में, ये क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 7 में ये बोला गया था कि मल्टीप्लाइड, क्या मल्टीप्लाई करें कि जो नंबर दिया गया था उसमें वह नंबर एक नया नंबर जो प्रोडक्ट है एक परफेक्ट क्यूब बन जाए, इसमें डिवाइड करने को बोला गया है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे इसको हम देखेंगे। तो आगे लिखा हुआ है सो दैट द क्वेश्चन इज परफेक्ट क्यूब, इस डिवाइड करने के बाद जो क्वेश्चन आए वह नंबर एक परफेक्ट क्यूब हो, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए यहां भी हमें करना पड़ेगा सबसे पहले प्राइम फैक्टोराइजेशन, किस नंबर का, इसका 8768 का हमें फैक्टोराइजेशन करना पड़ेगा, ठीक है, 8768 का फैक्टोराइजेशन, ठीक है, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 1 बच्चा 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, है ना, चलिए, और 2 2 जा 4 हो गया, 2 1 जा 2 हो गया, 1 बच्चा 2 9 जा 18 हो गया, 2 2 जा 4 हो गया, अब क्या हो गया, 2 1 कम 2 और 18 है, दो नंबर सुधारने के लिए जीरो बढ़ाना पड़ेगा, 2 9 जा 18 हो गया, 1 बचा
टू सिक्स जै ट्वेल्व हो गया, ठीक है। अब इसका क्या करेंगे, टू फाइव जै टेन हो गया बच्चा, टू फोर जै एट वन बचा, टू एट जै सिक्सटीन हो गया, और टू टू जै फोर हो गया, टू सेवन जै फोर्टीन हो गया, टू फोर जै एट हो गया। अब किससे जाने वाला है, टू वन जै टू, टू थ्री जै सिक्स बचा, वन बचा, टू सेवन जै फोर्टीन होगा, ये हो गया 137। अब इसके आगे हमें सॉल्व नहीं करना है, अब हमें क्या करना है, देखते हैं इसका ट्रिपलेट्स बनाते हैं बनता है कि नहीं। क्या हुआ है, 2 इंटू टू इंटू टू, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, सिक्स टाइम क्या है 2 है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, और सिक्स टाइम 2 है, और फिर क्या है ये लास्ट में क्या है 137 है, 137 है। और इसी नंबर ये इसको मल्टीप्लाई करने के बाद, ये टोटल मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा, यही आएगा 8768 आएगा, ठीक है। और ये जो इसी नंबर को, ये जो नंबर आया हुआ इस नंबर को हम लिख देते हैं नीचे, और ये जो नंबर मल्टीप्लाई करने के बाद ये आएगा, उसी नंबर को 137 से अगर हम डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करने के बाद जो नया नंबर आएगा वह नंबर एक परफेक्ट क्यूब होगा, ठीक है, क्यूब ही होगा, ठीक है। तो डिवाइड करते हैं, डिवाइड करने का मतलब ये इससे कट जाएगा। अब ये जो नंबर आएगा नया वाला नंबर, वह नंबर एक परफेक्ट क्यूब होगा। कौन सा नया नंबर आने वाला है देखते हैं, ये बचा हुआ क्या है, 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू, कितने टाइम है, 1 2 3 4 5 एक टाइम और, ठीक है, सिक्स टाइम है, ठीक है। तो ये किसका क्यूब बनेगा, ये क्यूब बनेगा, यहां तक 2 मिलेगा, फिर यहां तक 2 मिलेगा, ठीक है, 2 2 जा 4 बनेगा 4 का क्यूब, और जो 4 का क्यूब है एक परफेक्ट क्यूब होगा, ठीक है। 137 से डिवाइड करने के बाद, इस नंबर को 137 से डिवाइड करने के बाद, ठीक है। तो देख लीजिए,